नमस्कार, आप देख रहे हैं एवन न्यूज बिहार और मैं आपके साथ मानसी अरोड़ा। सिवान जंक्शन पर दलालों द्वारा एक यात्री से मारपीट करने के आरोप में 6 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई गई है। मारपीट में जख्मी मृत्युंजय पांडे के बयान के आधार पर पुलिस ने एफआईआर दर्ज की। इस मामले में पुलिस ने टिकट दलाल को छापेमारी कर गिरफ्तार किया, जबकि बाकियों की तलाश जारी है। गिरफ्तार आरोपी हुसैनगंज थाना के चिकटोली का निवासी अनूप कुमार है। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार एफआईआर में 4 टिकट दलालों के अलावा 2 टिकट काउंटर के कर्मचारी भी शामिल हैं। मंगलवार के दिन मृत्युंजय और टिकट दलालों के बीच टिकट को लेकर मारपीट हुई थी, जिसका कारण आरक्षित टिकट को लेकर मृत्युंजय 2 बजे रात से ही लाइन में खड़ा था। इसके बावजूद उन्हें टिकट नहीं दिया गया, जबकि उसी समय पर दलालों को रुपए देकर टिकट दिए जा रहे थे।